चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो किए थे डिवाइड, अब हमारे पास एक्सरसाइज के डिवाइड आ चुके हैं। हमें 255 डिवाइड करना 15 का। सबके लिए इजी वर्क रहेगा बिकॉज़ वी नो हाउ टू रिंग डिवाइड। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 255 में डिवाइड करना है 15 का। 25 में वन टाइम जाएगा 15 में जाएगा 15 एंड रिमेन रहेगा। अब हम 5 को नीचे ले जाते हैं 15 का 105 में दो 7 टाइम जाएगा 105 में रिमाइंडर 0। तो अब क्या लिखेंगे इसका आंसर? जो क्वेश्चन आता है हमारा आंसर होता है 70। तो इसको इस टाइप से लिखना आगे 255 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 70। दैट्स हमारा, ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, जिसको समझ में आए जल्दी से थम्स अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन राइट करूंगा, आप लोग इसका आंसर बताते जाएंगे। 312 डिवाइड बाय 12 फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, सॉरी थर्ड। 640 डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, चलो पहले यही करते हैं। तो हमें 312 में 12 में डिवाइड करना है बेटे। तो 3 में ले जाएगा तो 31 में देंगे हम 12 2 24। हमारे पास 7 लेफ्ट रहेगा, हम 2 को नीचे लाएंगे। 12 6 72 रिमाइंडर बचेगा 0। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं बेटे थर्ड वाले का, 640 डिवाइड बाय 16। 16 फोर या 64 नीचे बचेगा 0 0। अब बेटा नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 0। मैं जो कल बताने की कोशिश कर रहा था लास्ट में वो यही है, हमने 0 को नोट किया नीचे। अभी भी हमारे 16 का डिवाइड 0 में नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। दैट इज योर आंसर। इसका आंसर हमारे पास आया था 312 डिवाइड बाय 12 का आंसर आया था बच्चों 26। और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 640 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू आर बेटे 40 40। आंसर आंसर क्लियर है बच्चों? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेटा सभी इनका मतलब समझ लो। हैंड का मतलब है मुझे समझ नहीं है, थम्स अप का मतलब समझ में आ गया। मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार फिर से। 12 का डिवाइड 31 में देंगे, 3 टाइम में 36 आता है। 12 3 36 जा रहा है तो 2 टाइम देंगे, तो 2 टाइम आएगा 12 2 24। तो इधर 24 लिखेंगे, 2 टाइम गए यहां पे 2 लिखेंगे। 31 में से 24 माइनस किया तो 7 लेफ्ट रहेगा। अब 2 इसको नीचे ले आते हैं तो हमारे पास 72 मिलता है। 12 का डिवाइड 72 में देंगे, 12 के 6 टाइम बोलने पर 72 आ रहा है। तो मतलब 72 के अंदर 6 टाइम डिवाइड जा रहा है, तो 72 में 6 टाइम दिया 72 आ गए, माइनस किया 0। इधर देखिए बेटा 16 का डिवाइड 64 में देंगे, 4 टाइम कंप्लीटली जा रहा है। 16 4 64, तो 4 टाइम दिया 64 में गया, माइनस करेंगे 0 बचेगा। नेक्स्ट नंबर 0 नीचे ले आएंगे। अब 0 में 16 का डिवाइड नहीं जा रहा तो यहां पे 0 नोट डाउन कर देंगे। क्लियर है? ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें 10 ऑप्शन है हमारे पास। मैं सीधे करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाना। फोर फाइव सिक्स सेवन एट
वो फोर्थ क्वेश्चन है 702 डिवाइड बाय 13, फिफ्थ क्वेश्चन है 357 डिवाइड बाय 21, नेक्स्ट है बच्चों 770 डिवाइड बाय 28, इससे नेक्स्ट है बेटे 952 डिवाइड बाय 34, नेक्स्ट है 874 डिवाइड बाय 18, इससे नेक्स्ट है बेटे 656 डिवाइड बाय 23, नेक्स्ट 945 डिवाइड बाय 35। ठीक है बच्चों, अब मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर इधर राइट करते जा रहा हूं। आपको पता है क्या करना है, जैसे इसको इसमें डिवाइड देंगे तो आपको लिखना है स्टेप से आगे 702 डिवाइड बाय 13 इक्वल, यहाँ पे वो आंसर लिख देना जो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यहाँ इसी टाइप से सबने करना है नीचे। और हम चेक करते हैं एक बार, 702 में डिवाइड दो हमें 13 का, तो 13 का 70 में 5 टाइम जाएगा 65 बचेगा 5, तो ये 2 का नंबर आ जाएगा। 13 का 52 में 4 टाइम जाएगा बचेगा 0, तो 54 इधर लिख दो, दैट इज अवर। समझ में आ गया बेटा, इसी टाइप से आपको आगे के क्वेश्चंस में करना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 357 डिवाइड बाय 21 इवन, इसका इसमें देंगे 1 टाइम जाएगा 21 बच गए 14, 7 के नीचे ले लेते हैं, इसमें 7 टाइम जाएगा 147 रिमाइंडर 0, यहां पे 17 आंसर। ठीक है, इसमें कितना, नेक्स्ट देखिए बेटा 770 में डिवाइड देंगे हम 28 का, इसमें जाएगा बेटे 2 टाइम 56 बच गए 22, देखो 7 से 6 माइनस करोगे 1 और 7 से 5 माइनस करोगे 2, आगे 0 बेटा, इसमें कितने बार जाएगा एक बार चेक करो, कंप्लीट नहीं जा रहा है, तो रिमाइंडर और दो सेट दोनों लिखने पड़ेंगे। क्या क्वेश्चन सही है, तो 28 की टेबल सभी को आती है ना, फोर टाइम जाएगा 112 के अंदर बच जाएंगे कि ऐसे लिख देना, इसमें क्या लिखोगे बेटे क्वेश्चन इक्वल टू 24 और रिमाइंडर बचेगा बेटे 8। ठीक है, इसका इसमें देते हैं 952 डिवाइड बाय 34 का इसमें देखे 2 टाइम जाएगा बेटे 68 में 27 बचेगा, अब इसको नीचे ले लेते हैं इसका, अब इसका इसमें डिवाइड देते हैं, तो 34 का टेबल हम 7 टाइम बोल के देखते हैं, 8 में भी चला जाएगा, 8 4 32, 8 3 24 और 3 27 कंप्लीटली जा रहा है बेटे 8 टाइम, पेमेंट बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 28। इसका देखिए बेटा, Thank you.
874 डिवाइड करना है इसके अंदर 18 का, 18 4 72 बच गया 15, अब नीचे 4 आएगा, 18 4 144 सॉरी 188 जा बचेगा 10 रिमाइंडर। तो इसमें क्वेश्चन आएगा बच्चों 10 और रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन आएगा 18 और रिमाइंडर बचेगा 10 48 है स्टेक बाय दिस। ठीक है बेटे 48 क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर बच गया 10। जब रिमाइंडर 0 हो तो आपको नहीं लिखना है और जब रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो लिखना है। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों ये वाला है 6 5 6 डिवाइड बाय 23 का इसमें दो बेटा है 2 टाइम जाएगा 46 में यहां पे बचेगा 9 1 फिर यहां पे ले लो 6 8 टाइम जाएगा 184 यहां पे बचेगा 12। तो इसमें बेटे क्यों सेंट आएगा 28 और रिमाइंडर बचेगा बेटे 12। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 945 डिवाइड बाय 35 इसमें देंगे 2 टाइम जाएगा 70 यहां पे बच जाएगा बेटे 24 फिर ये 5 नीचे उतार देगा। ठीक है अब इसके अंदर देंगे तो 7 टाइम देखिए कितना आता है 35 × 7 7 बार जो 35 3 कैरी 7 3 जो 21 और 3 24 245 में 7 टाइम कंप्लीट जा रहा है रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका आंसर आएगा 27। सभी बच्चों को समझ में आया क्या? जिस बच्चे के साथ वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है अपना रीस्टार्ट करके देखें यहां से सही चल रहा है। जल्दी नोट डाउन कीजिए बेटा चलो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे हिंदी न्यूमेरल्स में होंगे। हिंदी न्यूमेरल्स के अदर नेम भी होते हैं बेटे देवनागरी देवनागरी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको लिपि। ठीक है बेटा जिसको आप हिंदी न्यूमेरल भी बोल देते हो वही बात है। वो हिंदी न्यूमेरल्स नहीं है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी नो अबाउट हिंदी न्यूमेरल्स वेरी वेल। हम सभी को पता है हिंदी न्यूमेरल में इसकी क्या वैल्यू है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 684 डिवाइड बाय 19 जल्दी कीजिए बेटा। आज मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखाऊंगा इसमें आपको आंसर खुद से करके लाना घर से। ठीक है सेकंड क्वेश्चन है 725 डिवाइड बाय 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 858 डिवाइड बाय 33 नेक्स्ट है बच्चों 437 डिवाइड बाय 16
और फिफ्थ पार्ट है इसका 569 डिवाइड बाय 23। ठीक है बेटा, ये आप सबको घर से करके लाने हैं, क्लियर है? इफ यस देन कमेंट। चलो मैं वन क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूं इसका, फिर इसके बाद में आप कर लेंगे ना। हाँ बेटे, एसडब्ल्यू में आपको करके लाना है इसका, वन पार्ट में करवा देता हूं आपको, उसके बाद वाले आपको खुद से करने होमवर्क में, ठीक है? चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 684, इसमें डिवाइड कर रहे हैं 19 का 68 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा बच्चों 57 में, 8 से 7 माइनस किया 1 लेफ्ट रहेगा, 6 से 5 माइनस किया 1 लेफ्ट रहेगा। अब आप ले लो 4, 19 का 114 में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा बच्चों 19 जी 114, रिमाइंडर बचेगा 0, क्लियर है? तो हमारा आंसर कितना है बेटे, 36। ओके, तो हम इसके लिए लिख रहे हैं, मैं बाकी को इरेज कर रहा हूं बेटा, आपने नोट कर लिया होगा ना। Do it fast. I am giving you 1 minute. Note it down fast. Have you done? हमने इसके फर्स्ट आंसर करवा दिया आपको, आप सभी के आंसर खुद करके लाएंगे, ठीक है? वैसे क्वेश्चन नंबर 3, छाया बोर्ड 20 कॉपी इन रुपी 3365, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी। बहुत इजी क्वेश्चन है, 360 में हम 20 का डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज कितना है बच्चों, 360 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन कॉपी कितना है बताओ, 360 डिवाइड बाय 20। जल्दी से आंसर बताओ मुझे। तो बेटे सीधे में क्या करना है, 360 में डिवाइड करना है 20 का, तो हमारा 310 जाएगा, सॉरी 36 में देखो 20 का 1 टाइम जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 16, फिर हम जीरो नीचे ले आएंगे तो 8 टाइम जाएगा 160 में,
रिमेनिंग में जगह दी हो, तो हमारा आंसर आएगा इसके इक्वल में 18 कॉपी, 18 रुपीस, दैट इज आवर आंसर। क्लियर बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप। नाउ रीड वन पास, आई विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। धीरज हैज 864 बनानास, हाउ मेनी डजन ऑफ बनाना डज ही हैव? 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनानास। बेटे एक दर्जन के अंदर कितने होते हैं केले? 12, समझ गए? मतलब हमें 864 में 12 का डिवाइड करना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डजन आ जाएगा। क्लियर है? तो इधर क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू कितना है बेटे? 864। बनाना इन 1 डजन कितने बेटे? 12। देयरफॉर टोटल डजन कितने हुए बेटे? 864 में डिवाइड कर देंगे 12 का। कीजिए 864 डिवाइड बाय 12, 12 7 84, बचेगा बेटे 2, नीचे आ जाएगा 4, 12 2 24, तो हमारे 72 आंसर है। तो कितने दर्जन केले होंगे? 702 persons can sit on 27 buses. How many persons can be sit in one bus? Same question करना है बेटा, तो same answer करना है। Total person कितने बेटे? 702। Number of buses कितने बेटे? 27. Therefore, persons in one bus is equal to 702 में डिवाइड करो 27 का। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, जल्दी कीजिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। मैं नहीं करने वाला, इसका आंसर आप खुद करेंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत टाइम देने वाले हो। 27 डिवाइड इसमें दोगे बेटा, 2 टाइम जाएगा 24 में, हमारे पास बचेगा 26। क्या था हमारा 27? ठीक है, फिर हम ले लेंगे 2 को। इसमें कितने टाइम जा रहा है एक बार बताइए जरा।
29 बसेस में ये लोग बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी 19 लोग बचेंगे, तो हमारे पास 29 बस तो इसके लिए होगी, और एक और बस चाहिए, इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 19, तो टोटल हमें 30 बसेस चाहिए, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 29 और रिमाइंडर आएगा बच्चों 19, therefore we need 30 buses. तो हमारे पास बसेस 28 आएंगी, जबकि हमारे पास बस कितनी है? ओनली 27 है, इसलिए हमें एक एक व्यक्ति को ज्यादा बिठाना पड़ेगा बस के अंदर। एक बार क्वेश्चन में रिवाइज करता हूं, टोटल पर्सन कितने हैं बच्चों? 702, नंबर ऑफ बसेस कितना है? 27। अब हमें करना है वन बस में कितने पर्सन बैठ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे? 702 में 27 में डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है? 702 में 27 में डिवाइड देते हैं, तो एक बार देखिए, मैं फिर से कर देता हूं आपके सामने। ठीक है बेटे, इसका इसमें डिवाइड करो, पहले 70 में 27 टू जे 54 होता है बेटे, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, 7 में से 5 माइनस किया 2, फिर आ जाएगा बेटे 2 नीचे, फिर 27 का इसमें डिवाइड करो बेटे, 9 टाइम जाएगा, 10 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि 10 टाइम में 278 जो ज्यादा है, इसलिए हम कितने टाइम देंगे इसमें? 9 टाइम, तो 9 टाइम देंगे इसमें, तो 9 7 63 का 3 6 कैरी, 9 2 जो 18 और 6 24 होता है बेटे, अब 2 में से 3 नहीं होगा तो इधर से कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 माइनस किया 9, इधर 5 बचा, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, तो 19 हमारे पास लेफ्ट था, मतलब ये बेटा अगर हम वन बस में 29 लोगों को बिठाते हैं तो ठीक हो 27 बसेस में आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये 19% लेफ्ट रहेंगे, ठीक है? इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ लोगों को एक बस में 29 की जगह कितना कर देते हैं? 30-30 बिठा देते हैं, तो ये 19 बंदे इनके साथ सेट हो जाएंगे ना, बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने वैसे तो 29 आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं इनको बस नहीं मिल रही है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनके साथ बिठा देंगे, तो पहले 29 बैठे थे एक बस में, इनमें से इनके साथ और बैठ गया तो कितने हो गए बेटा? 30 हो गए ना, तो इस टाइप से हम वन वन पर्सन इनके साथ और बिठा देंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ। सबसे बड़ा मिस्टेक यहां पे है बेटा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, देखो बेटा 27 में इसका दिया हमारे पास, यहां पे 10 में से 4 माइनस किया था हमने, क्योंकि इसको कैरी दिया था ना, 10 में से 4 माइनस किया तो 6 बचेगा इधर, लेकिन यहां पे 6 में से 5 माइनस किया 1 लेफ्ट रहेगा और यहां पे 2 आ जाएगा, तो यहां पे हमारा आंसर मिस्टेक हुआ था, यहां पे 6 आएंगे तो 162 में 6 टाइम डिवाइड जाएगा तो हमारा आंसर आएगा इसका 26। ठीक है बेटा,
अब होमवर्क में आपको करके लाने हैं, एक तो मैंने डिवाइड दे दिया आपको, दूसरा सेवंथ क्वेश्चन और एट क्वेश्चन और नाइन्थ क्वेश्चन आप घर से करके लाने की कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको कल आके करवाऊंगा, ठीक है। चलो एक बार सेवन क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। ओमकार है 400 रुपीज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज 30 रुपीज, देन हाउ मच क्लॉथ कैन ही बाय एंड आल्सो हैंड द मनी लेफ्ट विद हिम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, टोटल अमाउंट कितना है बेटे, टोटल अवेलेबल अमाउंट, वो बचे रुपीज 400, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ कितना है बच्चों, रुपीज 30, देयरफॉर बाइंग क्लॉथ, देयरफॉर बाइंग या परचेजिंग लिख लो, बाइंग लिख लो, परचेज क्लॉथ, उसके लिए क्या करोगे बेटा, 400 में 30 का डिवाइड करोगे, तो हमारा क्वेश्चन टाइम बच्चों थर्टी मीटर और रिमाइंडर रहेगा बच्चों, इधर करके दिखाता हूं आपको, 400 डिवाइड बाय 30, 30 का डिवाइड 14 किया, 110 किया, रिमाइंडर बच गया 10, जीरो लेंगे तो 30 का डिवाइड 100 में देंगे 3 टाइम जाएगा, 90 में गया, रिमाइंडर बचा 10, तो 30 क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर बच गया बेटे 10 मीटर, दैट इज योर आंसर। तो क्या वो 30 मीटर क्लॉथ परचेज कर लेगा, उसके बाद में 10 रुपीज उसके पास बच जाएंगे, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, टोटल कितने रुपए हैं बेटे उसके पास, 400 रुपीज, 1 मीटर क्लॉथ कितने पैसे में आता है, 30 रुपीज में, तो बेटा अब बताओ 30 मीटर कपड़ा कितने रुपए का हो जाएगा, हो जाएगा 390 रुपीज का, तो अब बताओ 390 का उसने क्लॉथ परचेज कर लिया था, उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 10, समझ गए ना, बिकॉज उसके पास टोटल कितना पैसा था, 400, कितने का उसने क्लॉथ परचेज किया, 390 का, तो कितने पैसे बचेंगे, 10 रुपीज, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको ये करना है।